बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को हंसता मुस्कुराता, खुश और आबाद रखे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ फिश फ्राई की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है और टेस्ट में किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। तो इसके लिए हमें जिन मसालों की ज़रूरत है वो ये हैं: काली मिर्चें, फिश मसाला यहाँ, और 1 टीस्पून के करीब है, 2 टेबलस्पून के करीब बेसन है, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लिया है मैंने, टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च पाउडर लिया है मैंने, और 1 टेबलस्पून के करीब मेरे पास हल्दी पाउडर है। ये सारे मसाले फिश में यूज़ होंगे, और अब इन सारे मसालों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। आप इनकी क्वांटिटी नोट कर लें, अगर आपके पास फिश ज़्यादा है या फिर कम है तो आप उस हिसाब से कम ज़्यादा मसाले भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि मैंने इन सब को अच्छे तरीके से मिला लेना है और मिक्स कर लेना है। तो अच्छा, अब मैंने ना इन सारे मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अच्छे तरीके से मिक्स कीजिएगा, अगर ऐसे करके आपने छोड़ दिया ना तो फिश अच्छी नहीं बनेगी। आपने बिल्कुल सारे मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि पता ना चले कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड हुई हैं। तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से सारे मसाले मिक्स हो चुके हैं। अब मैंने फ़िश ली है, फ़िश को मैंने पहले ही वॉश करके रखा हुआ था, और इसे मैंने, आप हमेशा फ़िश अगर फ्राई कर रहे हैं तो उसे वॉश करने के बाद छलनी में रखें, उसका सारा पानी निकल जाता है। तो यहाँ पर आप देखें, इसके ऊपर मैंने जो फ़िश मसाला मैंने बनाया है फ़िश को फ्राई करने के लिए, वो सारा मैंने लगा देना है। अच्छे तरीके से मैंने कोट करना है, कोई भी जगह खाली ना बचे। और यहाँ पर मैंने प्रॉपर तरीके से तकरीबन कोट कर लिया है, और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर सारे फ़िश बन के तैयार हो चुकी है, अब बस काम ये है कि हमने इसे फ्राई करना है। तो यहाँ पर अब मैंने एक कढ़ाई ली है, और उसके अंदर मैंने कुकिंग ऑयल ऐड कर देना है, और मेरे पास ये कुकिंग ऑयल 1/2 kg है। अच्छा, आपने ना फ़िश को मसाले लगाने के बाद 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए भी रख देना है, फ़ौरन से इसे फ्राई नहीं करना। तो यहाँ पर अब जो ऑयल है वो बिल्कुल गर्म हो चुका है। अच्छा, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए कि ऊपर से ये जल जाए और अंदर से फ़िश कच्ची रह जाए। तो यहाँ पर मैंने फ़िश को घी के अंदर ऐड कर दिया है। तो अब यहाँ पर जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो टू मीडियम पर है, और मैंने जितनी स्पेस है इसके अंदर उस हिसाब से मैंने फ़िश के पीसेस को इसके अंदर रख देना है। तो यहाँ पर अभी 3 और पीसेस की जगह है, तो मैं 2 और पीसेस भी इसके अंदर एडजस्ट कर दूँगी। तो देखें कि काफ़ी सारे पीसेस आ चुके हैं, और अच्छा, फ़िश ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, इसकी साइड्स चेंज करते हुए भी इसके टूटने का ख़तरा होता है। तो थोड़ा ध्यान से इसकी साइड्स को हमने चेंज करना है, और ये नीचे से थोड़ी सी लग भी जाती है तो भी आपने एहतियात से इसे निकालना है नीचे से। अगर हम बेध्यानी से करेंगे तो ये टूट जाएगी, हम नहीं चाहते कि ये टूट जाए। तो एहतियात से मैंने इसकी साइड्स को चेंज करना है। पूरे घर में खुशबू फैल चुकी है, और बहुत मज़े की खुशबू है, दिल कह रहा है कि बस सारी की सारी अभी खा ली जाए। तो यहाँ पर अब मैंने सब की साइड्स को चेंज करना है 1 by 1, ऐसा नहीं करना कि किसी की साइड्स को आपने चेंज किया किसी को नहीं किया, तो सबको इक्वली आपने इसकी साइड्स को चेंज कर लेना है। तो गाइस, एक रिक्वेस्ट मैं हमेशा आप लोगों से करती हूँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर बेल के आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। इससे क्या होगा, हमारे हर नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलेगा। तो जी देखिए, यहाँ पर फ़िश काफ़ी हद तक फ्राई हो चुकी है, और मैंने ये फ़िश 2 बार में फ्राई की थी, पहले कुछ पीसेस रखे और उसके बाद मैंने कुछ पीसेस रखे। तो अब यहाँ पर ये दूसरी बार में फ्राई हो रही है, और इसकी भी मैंने साइड्स को तकरीबन चेंज कर लिया है, और अब इसके निकालने का टाइम आ चुका है। तो अब मैंने इसे निकाल लेना है, एहतियात से निकालना है। आप लोगों ने इसे अच्छा, कोशिश करें कि इन चीज़ों को आप अच्छा प्रेजेंट करें। यहाँ पर फिश गोल्डन है, तो मैंने वाइट प्लेट का यूज़ किया है। अगर कोई वाइट चीज़ होती तो उसे वाइट प्लेट में यूज़ नहीं करते, वाइट प्लेट में उसे नहीं निकालते। उसके लिए आप कोशिश करें कि प्लेट ब्लैक होनी चाहिए।
वैसे तकरीबन 2-3 कलर में डिनर सेट तो सभी घरों में होता है, तो कोशिश क्या करें कि अच्छे से प्रेजेंट करें। तो जी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।